राम 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 राम। आप क्या कर रहे हैं भैया? मैं बीज का अंकुरण परीक्षण कर रहा हूँ। भैया बीज परीक्षण क्यों करते हैं? भैया हमारे गांव के किसान भाई जो हैं इनकी गर्म जैसे हमारे घर 50 किलो डाल देते हैं, तो 50 किलो डाल देते हैं अब, तो 50 में 40 किलो अंकुरण आया और 10 किलो खराब हो गया। हाँ भैया, तो हमारा नुकसान हुआ फिर उसमें। अच्छा, इसलिए बराबर फसल उगाने के लिए हम अंकुरण परीक्षण करते हैं। अच्छा, ताकि हमारा फसल भी बराबर है और समय भी कम लगे। अच्छा भैया, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है? भैया सूखा लगता है, इससे कचरा साफ करते हैं, जो टूटे फूटे अनाज रहते हैं वो भी बाहर हो जाते हैं। भैया छाटे हुए बीजों को रखने के लिए कागज लगता है। भैया एक सूती कपड़ा लगता है। ये बीज भैया उनका परीक्षण करना है। भैया परीक्षण कैसे करते हैं? भैया ये अनाज है, इसे छांट के और फिर जितने कंकड़ पत्थर हैं वो बाहर निकाल देते हैं, और फिर जो टूटे फूटे अनाज रहते हैं उनको भी बाहर निकाल देते हैं। भैया ये टूटे हुए अनाज है, ये टूटे हुए अनाज को इसलिए निकाल देते हैं कि इसका अंकुरण नहीं होता। अच्छा भैया, छोटे बड़े बीज भी अलग कर लेते हैं। ये छोटे और बड़े बीज अलग अलग क्यों कर लेते हैं? भैया ये छोटे बीज जो हैं इनका अच्छी तरह से अंकुरण नहीं होता, और जो बड़ा बीज रहता है उसका अच्छे अंकुरण होता है। भैया आप क्या करेंगे? भैया बीज को साफ करके और छोटे बड़े बीज निकाल के और सब बीज गिन के अलग कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 97, 98, 99 और ये 100। भैया ये हो गया 100 बीज।